नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी की अगुवाई में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा। सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के काफिले के साथ यह रोड शो मिठापुर से शुरू होकर साहा, मुलाना, दो सड़का, बराड़ा, अदोया, उगाला से होते हुए जुलूबी तक पहुंचा। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस रोड शो में सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखने लायक था। भारी गर्मी के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। वरुण चौधरी ने कहा कि लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत जोश है और भारी उत्साह है। सब ने मन बना लिया है कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ और अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब मिलजुल कर इंडिया गठबंधन को जिताने वाले हैं और एक एक वोट इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को डालेंगे। अब लोग जुमलेबाजी से उब चुके हैं और अब लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे अब इस अति का अंत करेंगे। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। से उनका रोड शो शुरू हुआ है, मिठापुर, साहा, तेपला, मलाना और दसड़का होली होते हुए अभी बराड़ा महाराणा प्रताप चौक पे पहुंचने वाला है। हजारों की संख्या में जो दुनिया साथ चल रही है और नौ की विधानसभा में वरुण चौधरी जी की जीत निश्चित है। हर तरह से सारी जनता, सारा सहयोग उनके साथ है। हमारे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं तन मन से लगे हुए हैं। बराड़ा वासी, आस पास साथी सारे तन मन से साथ। बराड़ा में एक तरफा जीत है भाई साहब। वेरी गुड, ठीक है जी, ला दो नारे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई साहब आज मिठापुर से चले हैं और पूरा जोर शोर से स्वागत हो रहा है हर जगह पे। और बराड़ा में भी इनका एक तरफा जीत हो रही है और बीजेपी सरकार तो गई और 9 की 9 विधानसभा में फुल सपोर्ट है भाई साहब की। कहाँ पर शुरू किया, कहाँ पर समाप्त हुआ? अभी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं सर? आपने रोड शो कहाँ से शुरू किया? आज हमने मिठापुर से ये शुरू किया और साहा, मुलाना, दुसड़का, बराड़ा होते हुए अब यहाँ जलूबी तक जो है उगाला से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बहुत भारी जोश है, बहुत भारी उत्साह है और सब ने मन बना लिया है कि इस तानाशाही के खिलाफ और अपने देश के संविधान को बचाने के लिए मिलजुल कर हम सब इंडिया गठबंधन को जिताने वाले हैं और एक एक वोट इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को डालेंगे। सर भाजपा कहती है 400 सीट लेके आएंगे पार कर। वो तो पहले भी 75 पार, कभी कौन सा पार, कभी कौन सा पार, जुमलेबाजी से लोग थक चुके हैं और इसलिए एक फैसला ले लिया कि इस अति का अंत करने वाले हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।